नमस्कार। आज मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी। कटहल जो कि गर्मियों में आता है और जो रेशे वाला कटहल होता है तो उसकी सब्जियां बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कटहल लिया है ये सर्दियों में इसको मार्केट में आता है ये, और इसमें रेशे बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका सिर्फ जो गूदा वाला भाग है वो ही रहता है सारा। बहुत छोटे साइज का होता है ये कटहल। जो शुरुआती दौर में जो कटहल उगते हैं ये वो ही कटहल होता है, और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको पकाया जाता है। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, और इसको चावल या रोटियों के साथ आप खा सकते हैं। बहुत स्वाद इसका रहता है। तो मैं इसको बनाऊंगी आज कटहल की सब्जी। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये 1 जो बड़ा स्पून है, और यहाँ मैं कटहल को इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हमने जो है गोल्डन फ्राई करना है। ये अच्छा गोल्डन हो जाएगा तब तक हमने इसको फ्राई करना है। गैस हमने मीडियम फ्लेम करना है। अभी देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो मैं गैस बंद करूंगी और इन्हें निकाल देंगे हम। अभी देखिए कटहल हमारे हमने फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह से, और अभी हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे ये कटहल हमारा 1/2 kg है, और यहाँ पे ऑनियन हमने मीडियम साइज़ का लिया, बारीक चॉप किया है। टोमेटो ये हमने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पे हमने लिया है जीरा, और ये जो दालचीनी, ये हमारा दालचीनी है 1/2 inch, और हमने लिया लौंग। 1 teaspoon हमारा है रेड चिल्ली पाउडर, ऑन टेस्ट सॉल्ट, 1/2 teaspoon हमारा टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon हमारा कोरिएंडर पाउडर। तो इनको अभी हम ग्रेवी जो बनाएंगे इसकी, हम मिक्सी में पहले टोमेटो और जो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको एक साथ मिक्सी में पीसेंगे। जो बस हमने ऑनियन को नहीं पीसना है इसके साथ, यही हमने टोमेटो डाला, कोरिएंडर लीव्स, जिंजर, चिल्ली, गार्लिक। जिंजर आप 2 inch, 1 inch जैसे भी ले सकते हैं, 10 से 15 कली मैंने गार्लिक लिया है। और यहाँ पे अब हम ले रहे हैं कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, और ये है हमारे सुमिन और लौंग, और यहाँ पे दालचीनी। तो इनको अभी हम मिक्सी में पेस्ट तैयार करेंगे। हमारा जो कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ है इसी में मैं और भी ऑयल डालूँगी। ये मैंने 3 tablespoon के बराबर डाला है। ये अच्छा मतलब इसमें ऑयल भी आप मतलब कम नहीं डालना है, थोड़ा अच्छा डालेंगे जिससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। ऑयल गरम करेंगे पहले। अब हम इसमें पहले ऑनियन डालेंगे, इसको हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। अभी प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, इसको 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे।
प्याज भी फ्राई हो गई अच्छे से, और इसमें हम अपना ग्रेवी जो बनाई थी वो डालेंगे। पूरा ग्रेवी मैं इसमें डाल दूंगी अभी। अच्छे से हमने फ्राई करना है, इसका तेल अच्छे से निकलने लगेगा जब, तब तक हमने इसे भूनना है। अपनी मिक्सी में जो मसाला पीसा था उसी से पानी इसमें ऐड कर लें, मसाला है इसके अंदर। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है मसाले की, बहुत अच्छा बनता है ये मसाला। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटहल। और इनको अच्छे से भूने, अभी फ्राई करें मतलब इसमें मसाले में भूनेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। अब मैं इसको कुकर में डाल करके 4 से 5 सीटियाँ लगाऊंगी, क्योंकि ये उसी कुकर में ही अच्छे से गलता है। तो यहाँ पे हमने मसाला इसका भूनना था इसलिए कढ़ाई में बनाया है इसे। तो अब मैं इसे कुकर में डालूंगी और फिर इसको सीटी लगा लूँगी। अब देखिए हमने इसे कुकर में डाल दिया है और इसमें हम लगाएंगे 4 सीटी, जिससे हमारी कटहल जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। हमने कुकर में इसे रख दिया है पकने के लिए। 4 सीटी के बाद हमारी ये कटहल बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छे से बन चुकी है, बहुत इसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। तो हम इसे सर्व करेंगे अब। और ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी बनकर के तैयार। इसको आप मेहमानों के लिए भी बहुत बना सकते हैं, उनको मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि जब आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। और बहुत कम लोग ही जानते हैं कटहल, जो छोटा कटहल होता है बहुत ही छोटा साइज का, उसमें रेशे नहीं बनते हैं, ये उस कटहल की सब्ज़ी है और बहुत कम लोग ही इसको बनाते हैं। तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, खाइए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।